हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी, और जिसे हम क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। अभी तक हम यही देख रहे थे कि हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस अगर सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे मेंटेन करना है, मतलब एक बारे में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं कॉन्करेंसी की, वो अब हम देखेंगे। तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेन तीन प्रॉब्लम्स है क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी, वो है फर्स्ट रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, सेकंड डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एंड थर्ड स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम से। पहले हम देखते हैं कि रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम होती क्या है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। देयर इज अ डेटा एरिया कंटेनिंग सम फाइल्स रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा डेट इज शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेसेस। सिस्टम के अंदर एक डेटा एरिया होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ भी हो सकता है ऐसा डेटा जो कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेस, वो शेयर करते हैं, वो डेटा एरिया वो शेयर करते हैं। द प्रोसेस डेट ओनली रीड्स द डेटा फ्रॉम डेट कॉमन शेयर डेटा एरिया आर कॉल्ड रीडर प्रोसेसेस। कुछ तो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो उस डेटा एरिया में जाके सिर्फ डेटा को रीड करने का काम करते हैं, कोई चेंज या कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो वो सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं रीडर प्रोसेसेस। एंड द प्रोसेसेस डेट परफॉर्म राइट ऑपरेशन, राइटिंग न्यू डेटा और अपडेटिंग और मॉडिफाइंग द डेटा वैल्यू ऑन द डेटा स्टोर्ड इन कॉमन डेटा एरिया आर कॉल्ड राइटर प्रोसेस। और राइटर प्रोसेसेस वो होते हैं जो कॉमन डेटा एरिया में जाते हैं और जो वहाँ का डेटा होता है, वहाँ जो डेटा लिखा होता है उसमें कुछ और राइट अपडेट करते हैं, कुछ नया डेटा वैल्यू ऐड करते हैं, राइट करते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं राइटर प्रोसेसेस। तो हमारे पास रीडर राइटर प्रॉब्लम में दो तरह के प्रोसेसेस हो गए, रीडर प्रोसेसेस एंड राइटर प्रोसेसेस। और ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं कॉमन शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं। तो जो रीडर राइटर प्रॉब्लम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जो कंडीशंस हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो तीन कंडीशंस हैं। पहली, एनी नंबर ऑफ रीडर प्रोसेसेस कैन साइमल्टेनियसली रीड द डेटा फ्रॉम कॉमन शेयर्ड एरिया। कितने भी रीडर प्रोसेसेस एक साथ जाकर कॉमन शेयर डेटा को रीड कर सकते हैं, एक एरिया में जहाँ सारा कॉमन शेयर डेटा फाइल्स रिकॉर्ड्स रखे हैं वहाँ पर कितने भी रीडर प्रोसेसेस एक साथ जाके डेटा को रीड कर सकते हैं। बट ओनली वन राइटर एट ए टाइम में राइट टू डेट कॉमन शेयर डेटा एरिया। लेकिन सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही राइटर प्रोसेस उस कॉमन शेयर डेटा में जाके कुछ राइट कर सकता है, क्योंकि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा राइटर प्रोसेस कॉमन शेयर डेटा एरिया में जाके अपडेशन का काम करेगा तो डेटा जो है अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रह जाएगा। एक राइटर प्रोसेस अभी अपडेट या कुछ नया डेटा राइट कर रहा है, इस बीच दूसरे ने भी आके अपडेट करना या राइट करना शुरू कर दिया उसी डेटा को, तो वो डेटा किसी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा ही नहीं, दो अलग अलग स्टेट हो जाएंगी उसकी, मतलब वो एररलेस स्टेट में चला जाएगा। तो इसलिए एक बार में एक ही राइटर प्रोसेस जो है कॉमन शेयर डेटा एरिया में जा सकता है। सेकेंड कंडीशन है हमारी, इफ़ एनी ऑफ द राइटर प्रोसेस इज राइटिंग टू द कॉमन शेयर डेटा एरिया, अगर कोई राइटर प्रोसेस अपने कॉमन शेयर डेटा एरिया में जाकर उसको डेटा को राइट कर रहा है, जो कॉमन शेयर डेटा एरिया है उसमें जाकर कोई भी राइटर अगर डेटा राइट कर रहा है, देन नो रीडर प्रोसेसेस आर अलाउड टू रीड इट। तो कोई भी रीडर प्रोसेस भी उस एरिया में नहीं आ सकता, मतलब अगर राइटर प्रोसेस अपडेट कर रहा है तो दूसरा राइटर प्रोसेस तो आ ही नहीं सकता, लेकिन रीडर प्रोसेस भी नहीं आ सकता टिल द राइटर प्रोसेस हैज फिनिश्ड, जब तक कि राइटर प्रोसेस फिनिश करके उस एरिया से बाहर नहीं आ जाता। इसका रीज़न ये है कि राइटर प्रोसेस अभी कोई डेटा राइट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, सपोज करते हैं कोई वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, वो इसी बीच रीडर ने आके उस एक्स की वैल्यू को रीड कर लिया, तो वो गलत वैल्यू रीड करेगा क्योंकि अभी राइटर ने अभी एक्स की वैल्यू को कम्प्लीटली अपडेट किया नहीं है और रीडर ने उसकी पुरानी वैल्यू उठा ली। तो इसलिए जब तक अपडेशन चल रहा होता है कोई रीडर या दूसरा राइटर प्रोसेस उस एरिया में नहीं आ सकता। If there is at least one reader reading the common data area, no writer processes are allowed to write in that common data area. इसी तरह से अगर एक reader process या एक से ज़्यादा reader processes जो common shared data area उसमें से कुछ read कर रहे हैं तो कुछ access कर रहे हैं, तो तब तक writer process उस area में जाके कुछ updation नहीं कर सकता जब तक कि वो reader process read करके बाहर ना आ जाए। इसका रीज़न क्या है कि रीडर प्रोसेस सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू रीड कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 5, इसी बीच अगर राइटर प्रोसेस ने आके एक्स की वैल्यू चेंज कर दी 6, तो आधे रीडर प्रोसेसेस तो जो है वैल्यू एक्स की 5 पढ़ रहे हैं, आधे 6 पढ़ रहे हैं, तो ये गलत, मतलब गलत डेटा हो रहा है।
जो डेटा है वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है, तो जब तक रीडर प्रोसेस रीडिंग का काम करके बाहर नहीं आ जाते, तब तक राइटर प्रोसेस उस कॉमन शेयर डेटा एरिया में जाके कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो ये तीन कंडीशंस रीडर राइटर्स प्रॉब्लम में ध्यान रखनी पड़ती हैं हमें। अब हम देखेंगे रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स। अब अभी हमने रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम को समझा, उसमें जो कंडीशंस है नेसेसरी उनको समझा, अब हम उसका सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर्स। द रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स कंसिस्ट ऑफ टू सेमाफोर्स। जब हम रीडर राइटर्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं सेमाफोर्स की हेल्प से, तो हमारे पास इसमें दो सेमाफोर्स होते हैं, एक म्यूटेक्स नाम का और एक WRT नाम का, और एक इंटीजर वेरिएबल भी होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका हमने नाम रखा हुआ है यहाँ नंबर ऑफ रीडर्स। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, म्यूटेक्स एंड WRT जो कि सेमाफोर्स हैं, और एक इंटीजर वेरिएबल नंबर ऑफ रीडर्स। WRT का क्या काम है? WRT शेयर्ड बाई ऑल दी प्रोसेसेस। WRT जो है जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो रीडर प्रोसेसेस हैं चाहे वो राइटर प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेसेस दोनों टाइप के प्रोसेसेस WRT वाले सेमाफोर्स को शेयर करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। अभी देखेंगे कैसे हम अभी जब डिज़ाइन करेंगे। नंबर एंड द इंटीजर वेरिएबल नंबर ऑफ रीडर्स इज शेयर्ड बाई रीडर प्रोसेसेस ओनली। लेकिन जो नंबर ऑफ रीडर्स प्रोसेस नंबर ऑफ रीडर्स नाम का वेरिएबल है और म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स नाम का सेमाफोर है, वो सिर्फ रीडर प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। मतलब WRT तो रीडर प्रोसेस राइटर प्रोसेस दोनों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन म्यूटेक्स और नंबर ऑफ रीडर्स नाम का जो वेरिएबल है वो सिर्फ रीडर प्रोसेसेस यूज़ करेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे इनका यूज़ होता है। जो हमारा नंबर ऑफ रीडर्स नाम का वेरिएबल है, ये काउंट रखता है कि हाउ मेनी रीडर प्रोसेसेस आर रीडिंग द कॉमन शेयर डेटा एट ए टाइम। अगर कॉमन शेयर डेटा एरिया में एक से ज़्यादा रीडर प्रोसेसेस इस टाइम डेटा रीड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रीडर्स जो है उनका काउंट रखेगा कि कितने रीडर प्रोसेस इस टाइम कॉमन शेयर डेटा एरिया में है, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी आके। म्यूटेक्स प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूटेक्स जो है, जो ये वाला सेमाफोर है म्यूटेक्स, ये जो है रीडर प्रोसेसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये अभी जब हम रीडर प्रोसेस देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। द सेमाफोर WRT विच इज़ कॉमन टू बोथ रीडर एंड राइटर, जो WRT है ये जो रीडर और राइटर प्रोसेस दोनों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या काम करता है ये सेमाफोर, ये ध्यान रखता है कि अगर ए राइटर प्रोसेस जो है कॉमन शेयर डेटा एरिया में कुछ अपडेशन कर रहा है या कुछ राइटिंग कर रहा है, तो कोई भी दूसरा रीडर या राइटर प्रोसेस उस कॉमन शेयर डेटा एरिया को यूज़ ना करे। WRT क्योंकि दोनों के बीच में शेयर है, रीडर प्रोसेस और राइटर प्रोसेस दोनों के बीच में शेयर है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन देता है कि कब, जब एक राइटर प्रोसेस कॉमन शेयर डेटा एरिया में कुछ अपडेशन का काम कर रहा है, तो उस बीच कोई भी और दूसरा रीडर प्रोसेस या राइटर प्रोसेस उस कॉमन शेयर डेटा एरिया में आके डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, म्यूटेक्स, WRT एंड नंबर ऑफ रीडर्स। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा राइटर प्रोसेस है। पहले हम राइटर प्रोसेस समझेंगे फिर हम रीडर प्रोसेस समझेंगे। राइटर प्रोसेस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियली दोनों के केस में, हम राइटर और रीडर दोनों के केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि म्यूटेक्स की वैल्यू, WRT जो दोनों सेमाफोर्स थे उनकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और इस टाइम एक भी रीडर अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो नंबर ऑफ रीडर्स जो है 0 है। अब हम ये हमारा जो लूप है वाइल वन, ये इंडेफिनेट लूप है। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है, पहला स्टेटमेंट है वेट WRT। ये क्या करता है? दिस स्टेटमेंट एंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स अमंग राइटर्स। अभी हमने देखा था कि WRT का काम क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है राइटर्स के बीच में। इसका मतलब कि अगर एक राइटर प्रोसेस जो है कॉमन शेयर डेटा एरिया में है और कुछ अपडेशन कर रहा है, तो कोई भी दूसरा राइटर प्रोसेस वहाँ आके उस कॉमन शेयर डेटा एरिया को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसने लॉक लगा दिया कि अब कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता, उस कॉमन शेयर डेटा एरिया के अंदर। फिर जो है राइटर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। मतलब क्रिटिकल सेक्शन क्या हुआ? जहाँ कॉमन शेयर डेटा एरिया है, कॉमन शेयर डेटा एरिया में जाके उसको जो भी राइटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है वो करता है, जो भी अपडेशन करना है वो करता है। एक बार वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो वो एग्जिट सेक्शन में आता है और सिग्नल WRT करता है। सिग्नल WRT मतलब ये परमिशन दे रहा है ये प्रोसेस कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और मैं कॉमन शेयर डेटा एरिया को छोड़ चुका हूँ, अब जो भी नेक्स्ट
या तो नेक्स्ट वेटिंग राइटर प्रोसेस आ सकता है, या फिर रिज्यूम एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर रीडर प्रोसेसेस, या तो अगला कोई राइटर प्रोसेस आ जाए और यूज़ कर ले कॉमन शेयर डेटा एरिया, या फिर जितने भी रीडर प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं वो सारे रीडर प्रोसेसेस कॉमन शेयर डेटा एरिया में अब आके रीडिंग कर सकते हैं। हमें पता है, हमने शुरू से देखा था कि जितने भी सेमाफोर्स होते हैं उनके साथ एक सेमाफोर क्यू होती है, तो उस क्यू में वो सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे होंगे जिनको अगला टर्न चाहिए कॉमन शेयर डेटा एरिया को यूज़ करने की। तो जैसे ये सिग्नल WRT होता है तो क्यू में से या तो सारे रीडर प्रोसेसेस को सिग्नल मिल जाता है और वो आ जाते हैं रीडिंग एक साथ रीडिंग करने के लिए, क्योंकि रीडिंग तो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस कर सकते हैं, या फिर कोई एक अगला राइटर प्रोसेस आ सकता है और राइटिंग का काम कर सकता है। ये जो डिसीजन होता है कि राइटर प्रोसेस अगला आएगा या रीडर प्रोसेसेस आएंगे, ये CPU शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है। CPU शेड्यूलर डिसाइड करता है कि या तो सारे रीडर प्रोसेस को परमिशन दे दे जो वेट कर रहे हैं क्यू में कि अब आप कॉमन शेयर डेटा एरिया में जाके रीडिंग कर लो, या फिर किसी एक राइटर प्रोसेस को परमिशन दे दे कि अब आप आके राइटिंग का काम कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है CPU शेड्यूलर पे। अब हम देखते हैं रीडर प्रोसेस। रीडर प्रोसेस के लिए भी अगेन हमारे जो म्यूटेक्स है, जो सेमाफोर म्यूटेक्स है, उसकी वैल्यू 1 है इनिशियल वैल्यू, WRT की वैल्यू 1 है, और नंबर ऑफ रीडर्स जो वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है व्हाइल, ये हमारा इंडेफिनिट लूप है। पहला स्टेटमेंट है वेट म्यूटेक्स। ये क्या हो रहा है, हमारा स्टेटमेंट 1 इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन अमंग रीडर्स। ये जो हमने वेट म्यूटेक्स है, एक तरह से लॉक लगाया है। लॉक मतलब कि एक जो रीडर है वो वेरिएबल जो है नंबर ऑफ रीडर्स उसको मॉडिफाई करने वाला है, तो कोई और रीडर जो है इस नंबर ऑफ रीडर्स वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए लॉक लगाया गया है कि अभी कोई प्रोसेस रीडर प्रोसेस जो है इसको मॉडिफाई करने वाला है, तो बाकी सब प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा। तो ये इसलिए म्यूटेक्स हमने देखा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेमाफोर म्यूटेक्स जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखता है किसके बीच में, नंबर ऑफ रीडर प्रोसेसेस के बीच में। तो अगर वेट म्यूटेक्स है तो इसका मतलब एक रीडर प्रोसेस जो है इस वेरिएबल को चेंज करने वाला है, बाकी सब रीडर प्रोसेसेस वेट करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा अनदर रीडर प्रोसेस इज देयर। हमने अब नंबर ऑफ रीडर्स प्लस प्लस किया। अभी हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी नंबर ऑफ रीडर्स की, 0। अभी हमारी नंबर ऑफ रीडर्स की इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब अभी कोई भी रीडर प्रोसेस जो है कॉमन शेयर डेटा को यूज़ करने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ वेट म्यूटेक्स लगा, इसका मतलब कोई रीडर प्रोसेस जो है कॉमन शेयर डेटा को यूज़ करना चाहता है। तो वेट म्यूटेक्स लगा के उसने नंबर ऑफ रीडर्स प्लस प्लस किया, मतलब कि एक प्रोसेस जो है एंटर कर चुका है, जो कि रीडर प्रोसेस एंटर कर चुका है जो कि कॉमन शेयर डेटा को यूज़ करना चाहता है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है थर्ड स्टेटमेंट पे, इफ़ नंबर ऑफ रीडर्स इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू, क्योंकि अभी हमने 1 प्लस प्लस किया और इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। नंबर ऑफ रीडर्स को इंक्रीमेंट किया तो ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो ये क्या कर रहा है, वेट WRT मतलब ब्लॉक राइटर्स, सारे जितने भी राइटर प्रोसेसेस हैं, फोर्थ स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जितने भी राइटर्स प्रोसेस हैं उनको ब्लॉक कर दो, क्यों, क्योंकि जो रीडर प्रोसेस है वो कुछ रीडिंग का काम कर रहा है। अभी हमने यही तो देखा, वेट कर लगाकर रीडर्स को इंक्रीमेंट करके, नंबर ऑफ रीडर्स वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके जो रीडर प्रोसेस है वो कॉमन शेयर डेटा को रीड कर रहा है। तो इसका मतलब वेट WRT, मतलब WRT किस लिए था, हमारा राइटर प्रोसेस के लिए, राइटर रीडर दोनों प्रोसेसेस के लिए था। तो वेट WRT मतलब कि जो राइटर प्रोसेसेस हैं वो वेट करें, वो कॉमन शेयर डेटा में आकर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। रीडर प्रोसेस आके रीड कर सकते हैं, लेकिन राइटर प्रोसेस आके उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता कॉमन शेयर डेटा में, इसलिए हमने वेट WRT यूज़ किया है। यहाँ पर वेट लगाया, लॉक लगाया है हमने कि कोई भी राइटर प्रोसेस नहीं आ सकता। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है सिग्नल म्यूटेक्स। सिग्नल म्यूटेक्स क्या करता है, अनलॉक करता है। अनलॉक कर दिया क्योंकि जो रीडर प्रोसेस था उसने जो है ये नंबर ऑफ रीडर्स को जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना था वो कर चुका है, मतलब अब ये नंबर ऑफ रीडर्स से कुछ काम नहीं हो कर रहा है। तो इसलिए सिग्नल म्यूटेक्स, ताकि जो और रीडर प्रोसेस वेट कर रहे हैं वो अब इस पे अपना लॉक लगा सकते हैं, नंबर ऑफ रीडर्स जो वेरिएबल है उसे यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो भी कॉमन शेयर डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। इस बीच जो एक क्रिटिकल सेक्शन जो रीडर प्रोसेस था वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, मतलब कॉमन शेयर डेटा को अब ये यूज़ कर रहा है। 6 नंबर का ये जो इंस्ट्रक्शन है वो यही बता रहा है कि रीडर प्रोसेस अपने कॉमन शेयर्ड डेटा को यूज़ कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन में होने का मतलब यही है कि कॉमन शेयर्ड डेटा को यूज़ कर रहा है।
इसके बाद जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकलता है रीडर प्रोसेस, तो उसको अगेन जो है लॉक लगाना पड़ता है. वेट म्यूटेक्स मतलब फिर से लॉक लगा रहा है वो. क्यों? क्योंकि अब वो क्या करने वाला है, नंबर ऑफ रीडर्स को एक डिक्रीमेंट करने वाला है. डिक्रीमेंट क्यों करने वाला है? क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. अब वो वेट, वो तो अब रीडर प्रोसेस की लिस्ट में नहीं है, वो जो वेटिंग रीडर प्रोसेस की लिस्ट है उसमें नहीं है, तो वो नंबर ऑफ रीडर्स को डिक्रीमेंट कर रहा है. हम इस लाइन में सपोज करते हैं कि जब यहाँ पे सिग्नल म्यूटेक्स हुआ था, कि सिग्नल दिया था अदर वेटिंग प्रोसेसेस को कि आप जो है अब आके यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ रीडर्स वाला वेरिएबल खाली है, आप इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो, किसी प्रोसेस ने इस पर लॉक नहीं लगा रखा. तो सपोज करते हैं इस बीच कोई और प्रोसेस ने भी आके इसको यूज किया, तो उसने भी नंबर ऑफ रीडर्स की वैल्यू बढ़ाई होगी. इसी तरह से कई सारे रीडर प्रोसेस आ गए और सपोज करते हैं नंबर ऑफ रीडर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 हो चुकी है. मतलब इस टाइम 3 कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग रीडर प्रोसेस जो हैं वो कॉमन शेयर डेटा को यूज़ कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब पहला वाला जो भी एक रीडर प्रोसेस यहाँ से निकलेगा क्रिटिकल सेक्शन से, वो क्या करेगा, पहले वेट म्यूटेक्स करेगा क्योंकि उसको नंबर ऑफ रीडर्स को डिक्रीमेंट करना है. तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ रीडर्स माइनस माइनस, यानी कि इसमें से एक कम हो चुका है, 3 रीडर प्रोसेस ना रह के अब 2 रीडर प्रोसेस रह गए हैं. इसके बाद वो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, क्या इफ नंबर ऑफ रीडर्स इक्वल टू 0, क्या जो हमारी क्यू है जिसमें हमारे सारे रीडर प्रोसेसेस वेट करते हैं, जो सेमाफोर क्यू होती है, हमें पता है कि हर एक सेमाफोर के साथ एक क्यू होती है जिसके अंदर जो वेटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो वेट करते हैं. तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि यार नंबर ऑफ रीडर्स 0 हो गए, इसका मतलब कोई भी वेटिंग प्रोसेस नहीं है सेमाफोर के अंदर. लेकिन ऐसा नहीं, अभी तो हमारा 2 है वैल्यू, तो इसका मतलब अभी अगले रीडर प्रोसेस, उसके अगले रीडर प्रोसेस चल, मतलब अभी जब तक वो कॉमन शेयर डेटा को यूज़ कर रहे हैं तब तक ये क्यू खाली नहीं है. एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे खत्म होते जाएंगे और ये वेट म्यूटेक्स लगा के नंबर ऑफ रीडर्स को माइनस करते रहेंगे, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और अल्टीमेटली जब कोई भी रीडर प्रोसेस नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ के जब ये चेक होगा इफ नंबर ऑफ रीडर्स इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी. इसका मतलब कोई भी रीडर प्रोसेस जो है अब कॉमन शेयर डेटा में रीडिंग का काम नहीं कर रहा. तो इसका मतलब अब किसको टर्न मिलना चाहिए, राइटर को. तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सिग्नल राइट, हमने यहाँ पे वेट WRT किया था क्योंकि रीडर जो है राइटर रीडर प्रोसेस जो है रीड कर रहा था कॉमन शेयर डेटा में, तो इसलिए हमने यहाँ वेट लगा रखा था. अब हमें सिग्नल भी तो देना है कि अब सारे रीडर प्रोसेसेस फिनिश हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब सिग्नल WRT मिलती है, जो अगला वेटिंग राइटिंग राइटर प्रोसेस होगा उसका टर्न आ जाएगा. जो सेमाफोर क्यू में अपने टर्न का वेट कर रहा होगा राइटर प्रोसेस, अब वो कॉमन शेयर्ड एरिया में जाके, कॉमन शेयर डेटा एरिया जो है वहाँ जाकर राइटिंग का काम कर सकता है. और अगर नंबर ऑफ रीडर्स की वैल्यू 0 नहीं हुई, मतलब अभी कुछ और रीडर प्रोसेसेस अभी रीडिंग का काम कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हम यहाँ सीधा आते, सिग्नल करते म्यूटेक्स. मतलब कि रीडर एक रीडर प्रोसेस ने और अपना काम फिनिश कर लिया है और वो सिग्नल दे रहा है और रीडर प्रोसेसेस को कि कॉमन शेयर डेटा एरिया को यूज़ कर सकते हैं. नंबर ऑफ रीडर्स जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है, एंटर कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट, बाहर निकल रहे हैं रीडर प्रोसेस और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो खाली है सिग्नल देना. तो इस तरह से ये वर्किंग होती है रीडर प्रोसेसेस की. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी sonali@timeraise.com. थैंक यू.